भी है, ये नीचे नहीं आ रहा। जब तक मैं इसको पुश नहीं करूंगा, इसमें सेफ्टी पॉइंट बहुत है। ये मैं इसको नीचे गया, ये आ गया। और दोस्तों हमने देखो कोई भी चीज़ हमने भड़ंगा वगैरह भी करना है, जैसे चूल्हों का हम भड़ंगा वगैरह करते हैं, हमने क्या करना है, इसको ये नहीं कि नीचे तक हमारा जाएगा, इसको जितना मर्जी ऊपर हम कर सकते हैं। ये देखो अब ये नीचे नहीं जाएगा, ये उन्होंने दे रखा बहुत। अब इसमें सिस्टम बहुत है इसमें, ये देखिए अब हमारा ऊपर ही रह गया। अगर और ऊँचा करना चाहते तो और इसको ऊँचा कर लो, ये उतनी ऊँचा ही रह जाएगा। अब हमने नीचे करना है इसको, ये देखिए नीचे आ जाएगा, ये मेरा नीचे आ गया। और नीचे करना मैंने और नीचे करने, क्योंकि जब तक हम इसको पूरा जीरो नहीं ना करेंगे, यहाँ पर लॉक नहीं लगेगा। ये हमारा लॉक है, जैसे ये बार बार ऊपर हो रहा है, कल को कहीं हमने साइड पर लेके जाना, ये लॉक लग गया, पेन हमने इधर कर दी, लॉक लग गया, अब जो ऊपर नहीं आएगा, वर्क नहीं करेगा ऊपर की तरफ। और इसके अंदर दोस्तों एक लेजर लाइट है, वो भी मैं दिखाऊंगा, जब वर्क करूंगा तो लेजर लाइट निकलेगी। जब मैं इसको वुड रखूंगा आगे इसको करेंगे तो उसमें लेजर लाइट निकलेगी। दोस्तों यहाँ की लाइटें हमने बंद कर दी हैं, तो दोस्तों इसके अंदर लेजर लाइट भी इसलिए बंद की है, आपको लेजर लाइट नजर आए। ये मेरे हाथ में ही है, इसका जैसा ऑन ऑफ का सोचा लेजर लाइट है, ये देखिए ये आपको नजर आ रही होगी, ये देखो नजर आ रही होगी आपको लेजर लाइट, ये देखिए कि यानी कि इसे लेजर लाइट से हमें ये फायदा है, तो हमें पता लग जाएगा हमारे ये जिनसे हमने निशान लगाया कि ये उसी के ऊपर वर्क कर रहा है सीधा। दोस्तों राइट एंगल में कटिंग कर रहे हैं, ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल जीरो जीरो है। कभी भी राइट एंगल में आपको करनी हो तो ये धार बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये तभी राइट एंगल में आकर टेढ़ी मेढ़ी। 4.5 की मिली हुई है साढ़े, ये देखिए इसको रेटिंग मिली हुई है, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूँ। दोस्तों काफ़ी प्यारी मशीन है ये मल्टीपर्पज़ मशीन है, हर एक किसी के काम आएगी, कारपेंटर भाई हो, फैब्रिकेटर भाई हो, कोई भी काम, प्लास्टिक का काम करता है, कुछ भी, सबसे मल्टीपर्पज़ मशीन है ये। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या मिलती है, मैनुअल गाइड मिलती है इसके अंदर, जिसके अंदर बताया होता है किस किस तरीके क्या क्या इसके अंदर फंक्शन है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं आप सबको बता दूंगा। और ये कुछ इन्होंने प्रोफाइल बताई हुई है किस किस तरीके से आपने फिट करनी है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कोई भाई वीडियो पूरी देखेगा उसको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसके अंदर से पहले हम सामान निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं हमें इसके साथ क्या क्या मिलता है। दोस्तों एक तो हमें ये स्लाइडिंग रोड मिलती है इसके साथ, और ये ऊपर इसके साथ एक कवर मिलता है जिससे रोड वगैरह हमारी डैमेज ना हो। और ये दो हमें क्लंपर मिलते हैं, एक लंबा क्लंपर मिलता है, एक छोटा क्लंपर मिलता है इसके साथ। और हमें ये डस्टिंग के लिए एक बैग मिलता है, जैसे डस्ट वगैरह इसके अंदर आएगी, ये चैन है, चैन से आप डस्ट वगैरह इसकी निकाल सकते हो इधर से। और दोस्तों ये हमें साइड पैनल मिलते हैं, जैसे कोई भी हमने अपना वर्क वगैरह करना लंबा पीस होता है तो उसके लिए आगे जोड़ने के लिए ये दोनों पैनल हमारे। और दोस्तों ये डस्ट कनेक्टर मिलता है, जैसे आपने पाइप वगैरह लगाना हो तो उसके लिए। और एक हमें इसके साथ की मिलती है, एल की मिलती है। और ये हमें ये मिलते हैं स्क्रू टाइट करने के लिए मिलते हैं, ये दो मिलते हैं, ये भी मैं बताऊँ कहाँ लूँ। और ये वायर के लिए कनेक्टर होता है, जैसे वायर वगैरह हमारी डैमेज ना हो तो इसके अंदर सेफ्टी रहती है। और एक हमें इसके साथ स्क्रू मिलता है। दोस्तों आइए थोड़ी सी इसकी ब्लेड की जानकारी ले लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये जो से ब्लेड के टीथ हैं, 28 टीथ हैं इसके ब्लेड के ना, और जो सा ये है 10 इंची का है। और दोस्तों क्या क्या चीज़ें ये काट सकता है, स्टील काट सकता है, अल्मोनियम काट सकता है, वुड काट सकता है, प्लास्टिक काट सकता है, ये चीज़ें काट सकता है इसके साथ। चलो इसको हम साइड में कर देते हैं। ये हमने मोटर निकाल लिया इसकी, और ये इसका नीचे का बेस है। दोस्तों मैं इसकी असेंबली चालू करने लगा, कौन सा पार्ट किधर लगना है आपने वीडियो पूरी देखनी, वीडियो बीच में स्किप नहीं कर लेता हूं। दोस्तों पहले हम सबसे पहले शोकर रोड फिट करेंगे, आपने ये देखना है ये जो सी दोनों पिन है बाहर निकली होनी चाहिए, ये ना कहीं आप दबा दो ऐसे, ये दबा दिया तो फिर ये अंदर नहीं जाएगा, ये लॉक उसके साथ ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हैं। हमने क्या करना है, इसको पिनों को इसको यहां से दबा देना है, और पिनें हमने बाहर कर लेनी है अगर आपसे दब भी जाए। ये हमने इस तरीके से इसको डालेंगे, ये देखो मैं इस तरीके से डालूँ, ये देखिए, और वीडियो आपने पूरी देखनी है। और जब मोटर फिट कर देंगे, दोनों लोग हमारे लग गए हैं, अब ये रेडी है। दोस्तों शोकर की सेफ्टी के लिए ये हम इसके अंदर केस लगाएंगे, पहले क्या करना हमने इधर की तरफ डाल लेना, देखो इस तरीके से, फिर क्या करना हल्की सी हमने चोट मारनी ऊपर से, ये अपने आप अपने पॉइंट के अंदर चले जाएगा, ये देखिए। और इसके बाद ये स्प्रिंग वाला है, ये स्प्रिंग नहीं घुमाना चाहिए ये, इसलिए ये अपने हमने शोकर कितना बाहर निकालना है कितना अंदर निकालना है, ये देखो यहाँ पर रखना है आपने, कटर सेट करना है तो इस तरीके से यहाँ से आगे पीछे नहीं जाएगा शोकर हमारा, ये देखिए इसको लॉक लग गया, जितना भी आपको चाहिए यहाँ से इसको लॉक लग सकता है। दोस्तों ये वायर के लिए क्लिप लगाएंगे क्योंकि हमारी वायर इधर उधर ना भागे, ये देखिए ये हम इसके अंदर फिट करेंगे और ये वायर को इसके अंदर ले लेंगे।
दोस्तों ये हमारा लग चुका है बड़ी अच्छी तरीके से। ये देखिए वायर इसके अंदर सेफ्टी रहती है, नीचे नहीं आती। कल को हम आगे पीछे करते हैं तो वायर ऊपर रहती है। दोस्तों कोई भी हम जॉब वगैरह जैसे लंबा करते हैं, ये सपोर्ट के लिए अपने हमारे साइड पैनल होते हैं। जैसे हम कोई भी वर्क वगैरह लंबा पीस होगा तो उसको ये सपोर्ट करते हैं। ये भी एक राइट का एक लेफ्ट का, दो पीस हमें इसके साथ मिलते हैं। दोस्तों ऐसे ये लगाया, उधर का भी हम इसी तरीके से फिट कर लेंगे। दोस्तों अब हम इसका ब्लेड लगाएंगे, इसको क्या लॉक करने के लिए। ये देखो इन्होंने कितना अच्छा सिस्टम दे रखा है। जब हमने ये हमने कटर फिट करना है ना इसके अंदर, ये देखना एरो का निशान इधर की तरफ बना हुआ है, तो इसमें भी इधर की तरफ इन्होंने दे रखा है। ये देखिए इधर की तरफ दे रखा है, यानी कि दोनों निशान आपने मिला लेने हैं कि कटर को उल्टा नहीं इधर की तरफ नहीं फिट करना, क्योंकि ऐसे ऐसे चलेगा। तो इन्होंने बता रखा है, यहाँ पर निशान दे रखा है। अब मैं इसको फिट करूँगा। फिर हमने इधर की तरफ लॉक लगाना है जिससे घूमे ना जी। दोस्तों इसको टाइट कर देना, लापरवाही मत करना इसके अंदर। ये लग गया। अब दोस्तों ये हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया ब्लेड। दोस्तों मैं आपको कलम फिट करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये दोनों तरफ लग सकते हैं, जैसे आपका काम के हिसाब से राइट में भी लग जाएंगे, लेफ्ट में भी लग जाएंगे। अब मैं इधर की तरफ लगा रहा हूँ। ये देखिए हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा लूज कर लेना। ये लग गया और ये हमने इसको ऊपर उठा लिया। जैसे भी आपका जॉब हो, 1.5 इंची का हो, जिस तरीके का मर्जी हो, ये हमने कर दिया ऊपर। ये देखो ये आ गया। अगर आपको चूड़ी अगर जल्दी करना फटाफट इसके नीचे कर दो, ये अपना टाइट हो जाएगा। और दोस्तों ये इसकी फैंग्स हम डाल देंगे इसके अंदर। ये भी स्लाइडिंग वाली है, बाहर निकल जाती है, क्योंकि जब हमने 45 डिग्री का काटना तो हमें ये पीछे करनी पड़ती है। ये मैंने लॉक कर दी है। दोस्तों मैं दूसरे वाला क्लैंप भी बता देता हूँ किधर फिट होगा। ये देखो दोस्तों इसके अंदर भी बड़ा अच्छा ग्रह है, इतना लंबा कौन कर दिया, इसको फ्री कीजिए। ये देखिए बाहर आ गया हमारा, ठीक है। ये वाला क्लैंप हमारा यहाँ फिट होगा, ये हमारा फिट हो गया। देखो जिस तरीके का आपका जॉब है, जैसे ये हमें ये भांगना है इसके ऊपर, ये मैंने भांगना है इसके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे इसको नीचे दबा दूंगा और ऐसे इसको टाइट कर दूंगा। ये देखो टाइट हो गया, इधर से मैं इसको टाइट कर दूंगा। ये होगा मेरा टाइट। दोस्तों ये इसका डिस्कनेक्टर है, यानी कि डस्ट वगैरह यहाँ से बाहर निकलती है। जैसे आपने पाइप फिट करना है तो आप इसको लगा सकते हो, और यहाँ पर अपना पाइप, यानी कि इसमें दोनों शेप दे रखी है, पाइप पतला और मोटा दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। अब हमारे पास नहीं है तो इन्होंने ये दे रखी है इसके लिए, ये लगाएंगे हम। काफ़ी अच्छा इन्होंने बैग दे रखा है, ये हम इसके अंदर कर देंगे फिट। ये देखिए इसका बैग है, डस्ट वगैरह इसके अंदर आ जाएगी। जैसे भर जाता है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, चैन लगी सारी। आप इसको यहाँ सेटिंग चाहिए, यहाँ से इसको लॉक कर सकते हो बैक साइड से, इसको लॉक हो गया। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, आपकी सेटिंग सही नहीं आ रही, तो इन्हें छोटे छोटे फंक्शन दिए, आप इस हिसाब से सेट करते हैं। जैसे 45 डिग्री पर काट रहे, ज़्यादा नीचे जा रही है, हल्का सा ऊपर चाहिए, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे दे रखे इन्होंने, ये देखिए आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्होंने पीछे लॉक दे रखा है, जैसे मुझे इधर की तरफ ज़्यादा पलटाना, ये देखिए ये इधर मुझे ज़्यादा पलटाना, तो मैं लॉक को पीछे कर दूंगा। ये देखिए ज़्यादा पलट गया। अगर कम करना है, इन्होंने हैंडल दे रखा है बड़ा, बहुत बढ़िया इधर से करने के लिए, क्योंकि ऐसे होता नहीं है, ये काफ़ी पावरफुल है। अब देखो अब नीचे जाएगा पीछे के लिए, अब यहीं पर ही लॉक हो गया। इसको हम पीछे कर देंगे, यहाँ से हमारा टाइट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको रोटेट नहीं करना है तो आपने सीधा करके इसको टाइट कर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी, सेफ्टी का पहले हम भाइयों ने ध्यान रखना है। और कभी भी आप अल्यूमिनियम वर्क वगैरह करते हैं, वुड वगैरह करते हैं, आपने गोगल्स लगा लेने हैं, क्योंकि मेरा मत ध्यान रखना, क्योंकि मैं ज़्यादा 2-3 मिनट के लिए चलाता हूँ। कभी मेरा करो भी भाई साहब ने नहीं लगा रखे, ऐसी गलती नहीं करनी। और किसी भी अनाड़ी बंदे को किसी को नहीं देनी दोस्तों। इसमें आप जब ऐसे काटते हो, उंगलियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, वो मैं आपको बताऊंगा वर्क कैसे हम लोग करते हैं इसके ऊपर। दोस्तों ये देखो मैंने ऑन कर दिया, ये